चैप्टर 3 एग्जांपल 3.8 रिएक्शन टाइम। व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पोंड। द रिएक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट। फॉर एग्जांपल इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय अपीयर्स ऑन द रोड देन द टाइम इलैप्स्ड बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक ऑफ द कार इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन एन इंडिविजुअल। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर इन शोन फिगर। जो हमने डायग्राम साथ में अटैच किया है इसके में दिखाया गया है। आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। इन ए पर्टिकुलर केस डी वॉज found to be 21 centimeter, estimate the reaction time। तो यहाँ पे इसमें जैसे ही इसने ऊपर से यहाँ से जो है इसको छोड़ा तो छोड़ने के बाद रूलर जो है वो 21 सेंटीमीटर नीचे फॉल कर चुका था। तो रिएक्शन टाइम हमें बताना है। तो अगर हम 21 सेंटीमीटर की बात करें तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी तो इस सिचुएशन को किस तरीके से समझा जा सकता है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी जीरो है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस के अंदर u वाली टर्म जो है हमारे पास वो जीरो है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे लेंथ हमें मिली है दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू 21 है तो लिखेंगे 21 इंटू 10^-2 मीटर हाफ। नीचे जो फॉल हो रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम जी की बात करें तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो हमारे पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इंटू में टी स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारे पास टर्म क्या मिलेगी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 21 इंटू 2 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाई 9.8। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 10^-1 आ जाएगा। तो टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 10^-1 डिवाइडेड बाय 49 हमारे पास आएगा, या हम ये बोल सकते हैं 2.1/49। वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0428 जिसका रूट हमारे पास टी इज इक्वल टू फाइनली आएगा 0.0428। तो ये फाइनली वैल्यू हमारे पास आती है 0.207 सेकेंड।